मेरा कथन ध्यान से सुनो पार्वती। पुरुष और प्रकृति का मिलन शारीरिक हो यह आवश्यक नहीं। पुरुष और प्रकृति के मिलन का एक चरण और भी है जो शारीरिक मिलन से भी सर्वोपरि है, वो है आत्मा का मिलन। आत्मा के मिलन से जो सृजन होता है उसका स्वरूप सदैव अलौकिक रहता है। किंतु ये कैसे संभव है स्वामी? विदित रहे पार्वती, प्रत्येक